दीप मालिका महोत्सव का आज होगा समापन। सेमा कस्बे के ब्रह्मपुरी में स्थित भगवान चारभुजनाथ मंदिर परिसर में कार्तिक मास के पावन एवं पवित्र अवसर पर पूरे एक माह तक चलने वाले दीप मालिका महोत्सव का समापन कार्तिक पूर्णिमा के आज भव्य अन्नकूट महोत्सव का समापन धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। चारभुजा मंदिर के पुजारी जगदीश दास वैष्णव ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू हुए दीप मालिका महोत्सव कार्यक्रम के तहत भगवान श्री चारभुजनाथ मंदिर मंडल विकास समिति एवं समस्त ग्रामवासियों के तत्वाधान में प्रति दिन रात्रि को दीप मालिका सजाकर ठाकुर जी पर आधारित मनमोहक भजनों की संगीतमय बयार से पूरा मंदिर परिसर भगवान कृष्ण की भक्ति के रंग में सराबोर हो रहा है। प्रतिदिन अलग अलग परिवार की तरफ से ठाकुर जी की सेवा पूजा के साथ प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। वही शाम को 7 बजे मंदिर परिसर में अरवई के धर्म प्रेमी स्त्री पुरुषों की आवक शुरू हो जाती है, जो देर रात्रि 11:15 बजे तक अनवरत जारी रहती है। इस मौके पर भक्त मंडली के गायक कलाकारों द्वारा ठाकुर जी पर आधारित एक के बाद एक मनमोहक भजनों की संगीतमय प्रस्तुतियों से समा बांध कर श्रद्धालुओं को भक्ति रस की सरिता में हिचकोले लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भजन गायक ईश्वर श्रीमाली, सत्यनारायण सोनी, मोतीलाल गायरी, अनिल वैष्णव सहित कई स्थानीय गायक कलाकार वाद्य यंत्रों के सहयोग से श्री चारभुजा जी के चरणों में आयारी लाज राग जो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे थाली भर के लाई बीचड़ी ऊपर गिरी वाट की मुरली प्रेमरी बजाई रही नंदलाला शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है जैसे कहीं मनमोहक भजनों से समूचा वातावरण कृष्ण भक्ति के रंग में सराबोर हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सेमा के भगवान चारभुजनाथ मंदिर में पूरे एक माह तक दीप मालिका महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक आयोजन संपन्न किए जाते हैं। भव्य अन्नकूट महोत्सव व 56 भोग की झांकी निकाल कर ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। रोज भगवान चारभुजा के दरबार में भजन संध्या के बाद में विशाल आरती और आरती के बाद महाप्रसाद वितरित कर ग्रामीण इस दीप मालिका महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और देर रात्रि तक भजन संध्या का आनंद लेते हैं, साथ ही महाप्रसाद का भी आनंद लेते हैं।